इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन, इस डिवाइस में आपको मिलता है 4 GB का रैम, 64 GB का रोम, 128 GB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज, 13+13 कैमरा, 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, 3500 mAh बैटरी। दिस डिवाइस पावर्ड बाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, विच इज़ ए 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर। इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस डिवाइस इज रनिंग ऑन एंड्रॉयड नुकेट 7.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स विद स्टॉक एंड्रॉयड वर्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक गेम विच इज सर्विस सफर। इस गेम को इस डिवाइस में खेलने में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो, गेम प्ले इज सिंपली ऑसम, स्मूथ एंड सिल्की विदाउट एनी इशू। तो इस टाइप के गेम आप इस डिवाइस में आराम से खेल सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, तो जल्दी से स्विच करते हैं टेम्पल रन 2। जैसे आप देख पा रहे हो, टेम्पल रन 2 भी आपका एक एकदम बेसिक गेम है। तो ये गेम भी इस डिवाइस में काफ़ी आराम से खेल सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो बेसिक गेम तो जहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी जो गेम आप देख पा रहे हो विच इज एसफॉल्ट नाइट्रो, ये एकदम छोटा भैया है एसफॉल्ट सीरीज का, या फिर आप बोल सकते हो एसफॉल्ट का छोटा सा लड़का है। जी हाँ, ये 27-28 MB का गेम है और इस डिवाइस में ये गेम काफ़ी बढ़िया तरीके से चला। इवन लोड होने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आया। गेम प्ले इज सिंपली स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव। आपको लगभग सभी टाइप का फीचर्स मिल जाएगा जो एसफॉल्ट 8 में मिलता है। एसफॉल्ट नाइट्रो में खाली आपको ग्राफिक्स थोड़ा कम मिलता है, बिकॉज आप सोच सकते हैं दोनों का जो साइज़ है काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थोड़ा बिट मिड रेंज गेम विच इज द फ्रंट लाइन कमांडो 2। ये गेम बहुत सारा डिवाइस में मैंने देखा स्ट्रगल किया, बट सरप्राइजिंगली आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा कोई डिवाइस मिला जहाँ पर ये गेम इतना स्मूथली चल रहा है। एकदम लाइव व्यू काइंड ऑफ आपको फीलिंग आ जाएगा और गेम प्ले इज सुपर स्मूथ एंड सिल्की। जो इंस्टॉलेशन टाइम था और जो लोडिंग टाइम था वो भी काफ़ी फास्ट था। इवन स्विचिंग बिटवीन द लाइक स्टेजेस आर प्रीटी इंप्रेसिव इन फैक्ट। नेक्स्ट और एक बेसिक गेम खेलते हैं विच इज़ डेड ट्रैगर 1। ये भी मेरा एक पर्सनल पसंदीदा गेम है, पहले टाइम पे मैं बहुत खेलता था। और ये गेम भी इस डिवाइस में काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है विदाउट एनी इशू, और स्क्रीन रिस्पॉन्स इज सिंपली ऑसम एंड ऑल द ग्राफिक्स आर लुक प्रेटी मच क्रिस्प। 5.5 इंच का आपको फुल एच डी डिस्प्ले मिलता है, सो रेजोल्यूशन के मामले में आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी इसमें। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा बट हैवी गेम में विच इज़ रियल रेसिंग 3। जैसे आपको पता है रियल रेसिंग 3 एक हैवी गेम है और जहाँ पर आपको बहुत ही हाई ग्राफिक्स क्वालिटी मिलता है, और ये गेम भी इस डिवाइस में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा चल रहा है। ग्राफिक्स लुक्स प्रीटी क्रिस्प और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे अभी तक वैसा कोई हैंग और वैसा कोई फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस में नहीं आया। सो ये गेम भी इस डिवाइस में काफ़ी आराम से खेल सकते हैं और विजुअल एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद और एक रेसिंग गेम में मूव करते हैं विच इज़ नीड फॉर स्पीड। ये भी आपका हाई एंड रेसिंग गेम है और ये गेम भी इस डिवाइस में काफ़ी बढ़िया तरीके से चला, लोड भी काफ़ी जल्दी हो गया। नॉर्मली ये गेम लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस डिवाइस में ये गेम काफ़ी बढ़िया तरीके से लोड हो। जैसे आप गेम प्ले देख पा रहे हो विच इज़ सिंपली स्मूथ एंड सिल्की। सो ये गेम भी इस डिवाइस में आप बिना कोई भी प्रॉब्लम के अलावा खेल सकते हैं काइंड ऑफ दैट। This is also a pretty heavy game in fact. इसका साइज़ है लगभग 1.2 to 1.3 GB। ये गेम भी इस डिवाइस में काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है, साउंड रिस्पॉन्स भी और बहुत अच्छा है। और मैं नहीं बोलूँगा साउथ बहुत लाउड है, क्वाइट एवरेज है, या फिर आप बोल सकते हैं अबव एवरेज है, लेकिन राइट साइड में स्पीकर होने की वजह से जब आप इसको हॉराइजेंटली पकड़ेंगे तब हो सकता है थोड़ा बहुत साउंड दब जाए आपके हाथों के वजह से। आइदर दैट साउंड इज़ क्वाइट ओके, बट बैक टू द गेम पे, गेम प्ले इज सिंपली ऑसम। सो नो इशू आई हैव फेस्ड वाई आर प्लेइंग दिस गेम। उसके बाद हम लोग खेलेंगे एसफॉल्ट 8, जिसको मैंने हाई ग्राफिक में सेट कर दिया। तो अभी गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। लोडिंग टाइम काफ़ी कम था और गेम प्ले भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है। मैंने जैसे आपको बताया हाई ग्राफिक में सेट किया है, बट गेम प्ले इज सिंपली स्मूथ एंड सिल्की। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम मुझे इतना सारा गेम खेलने को मिल रहा है इतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ। सो डेफिनेटली आई एम वेरी मच सरप्राइज। तो ये गेम आप इस डिवाइस में बहुत अच्छी तरीके से खेल पाएंगे। इसका हार्डवेयर काफ़ी बढ़िया है, इनफैक्ट उसके साथ साथ 625 आपका काफ़ी बैटरी फ्रेंडली प्रोसेसर है। मतलब इसका टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल है, मैंने मैक्सिमम 35-36 डिग्रीज मैंने नोटिस किया है, और उसके साथ साथ वैसा कोई मेजर हीटिंग इशू भी मैंने नोटिस नहीं किया, और गेम प्ले इसका काफ़ी स्मूथ है। फाइनली हम लोग खेलेंगे मॉडर्न कॉम्बैट 5, विच इज़ अनदर प्रीटी हाई एंड गेम, और ये डिवाइस में ये गेम काफ़ी बढ़िया तरीके से लोड हुआ। और जैसे आप देख पा रहे हो गेम प्ले इज सिंपली ऑसम, इट्स ए सिंपली स्मूथ एंड बटरी एंड सिल्की परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू गेट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इज कंसर्न ऑन दिस डिवाइस। तो अगर कंक्लूजन बोला जाए
अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई डिवाइस अंडर 15,000 रुपीज़ जहाँ पर आपको सिंपली ऑसम गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेज अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज आई हैव रिव्यूड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन बिटवीन 10,000 to 15,000 रुपीज़, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई गॉट अ डिवाइस विच रियली परफॉर्म्स प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एज कंसर्न, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डजंट हैव एनी काइंड ऑफ हीटिंग इशू ऑल्सो, एंड बैटरी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो टॉप नॉच. So in terms of gaming, I'm totally satisfied. If you ask me to rate this device, I will give 9 out of 10 because the gaming performance and overall using performance is pretty awesome of this device. So guys, ye tha aapka excellent gaming performance review of this Flipkart's first smartphone, which is a Billion Capture Plus. So if you really like the video, kindly hit the like button and don't forget to subscribe to my channel because I used to do this kind of videos every day on my channel. You can follow me on Twitter also, which is twitter.data15, or you can like our Facebook page also, which is facebook.datarock. This video mein abhi tak liye itna hai. This is your host, Amit, signing off from Data. Hope to see you in my next video. Bye bye.